दरअसल आज मैं अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूँ, जो पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन क्रिकेट स्टेडियम में शुमार होता है। इसकी खूबसूरती आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज 30 अगस्त 2021 है। आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को एंड तक देख ले, हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह आपको ये खूबसूरत ग्राउंड की वीडियो आपको ज़बरदस्त लगेगी। बहुत ही खूबसूरत पवेलियन, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ही ग्रीन है, खूबसूरत है। और इसी के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि यहाँ पर कैंप लग जाते हैं, अंडर 19 के कैंप लगते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप लग जाते हैं, फर्स्ट क्लास के जो मैचेस होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, वोमेन क्रिकेट टीम के कैंप लग जाते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत स्टेडियम है, पहाड़ों के दरमियान है। तो आज तो मेरी नसीब इसलिए अच्छी थी क्योंकि खूबसूरत ग्राउंड दिखाने के साथ साथ मौसम भी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर फर्स्ट क्लास के जो मैचेस हैं वो भी यहाँ पर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैचेस भी होते हैं और रमज़ान टूर्नामेंट के मैचेस यहाँ पर होते हैं, तो काफ़ी इंजॉय करते हैं लोग। आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लूँ कि यहाँ पर विकेट के ऊपर भी काम शुरू है, 3 विकेट तो तैयार हो गई हैं, काफ़ी प्रोफेशनल लोग आए हैं, खूबसूरत तरीके से विकेट बना रहे हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि फुल ग्रीन ग्राउंड है, मौसम भी अच्छा है और पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत ग्राउंड है। ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन ग्राउंडों में शुमार हो जाता है। ये आप ख़ुद नज़ारा देख ले कि पहाड़ों के बीच में एक खूबसूरत तरीन ग्राउंड, ख़ुद चेक कर ले, ग्रीन्स, पहाड़, मौसम देख ले, मौसम कितना खूबसूरत मौसम है। खूबसूरत नज़ारे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम के। यहाँ पर प्रोफेशनल जो लोग हैं वो आए हैं, विकेट के ऊपर काम कर रहे हैं, ऑफिशियली लोग हैं और काफ़ी खूबसूरत तरीके से लगे हैं, 100% दे रहे हैं अपने। अच्छा जी, ये देख ले, काफ़ी खूबसूरत तरीके से विकेट के ऊपर काम हो रहा है। तो जल्दी इंशाल्लाह ये जो लेयर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो विकेट बिल्कुल 100% तैयार हो जाएगी। ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से ये काम कर रहे हैं।
ये देख ले एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम के खूबसूरत नज़ारे देख लें, ये काफ़ी खूबसूरत हैं। यहाँ पर आप ज़बरदस्त बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर एकेडमी है, क्रिकेट एकेडमी है और नेट भी लगा हुआ है, इसमें ग्रास विकेट भी हैं, इसमें सीमेंट विकेट भी हैं। तो इस एकेडमी में प्रैक्टिस भी होती हैं, इस एकेडमी में लड़के तैयार भी हो रहे हैं और यहाँ के कोचेस भी जो हैं वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं। एकेडमी भी आप देख ले, फुल ग्रास लगा हुआ है, ग्रीन है, इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं लगा हुआ है कि आपको ये खूबसूरत नज़र आए, ये बिल्कुल नेचुरल है। इन लोगों ने मेहनत की है, इन मेहनत से ये बनाया है, तो आप देख लें, अंदाज़ा लगाएं, काफ़ी खूबसूरत एकेडमी है। यहाँ पर 4 पिचेस तैयार है, नेट भी लगा हुआ है और फुल ग्रास भी है, सीमेंट वाले पिचेस भी हैं, ये खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ पर एक लॉबी है जिसमें फ़ोटो लगे हुए हैं, जो चेयरमैन आए हैं वो सारा लॉबी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। ये देख लें, खान साहब जो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इमरान खान साहब, ये भी आए थे। तो ये सारी लॉबी में पिक्चर्स मेमोरीज हैं, मैंने कहा कि ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप देख लें। ये देख लें, लॉबी में पिक्चर लगे हुए हैं और मेरा फेवरेट पिक्चर जो इनमें से है वो है चाचा क्रिकेट वाला। ये चाचा क्रिकेट भी एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम आया हुआ है, ये वाला। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत फर्नीचर, टेबल्स, साफ़ सुथरा, बिल्कुल खूबसूरत तरीके से, अच्छी तरीके से ये लगे हुए हैं। यहाँ से आप बाहर जाकर खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड के नज़ारे देख सकते हैं। बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है। आप ज़रूर यहाँ आएँ, चक्कर लगाएं और इस खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड को एंजॉय करें, ये खूबसूरती आप चेक कर लें। है कि आपने इस खूबसूरत मौसम को भी इंजॉय किया होगा और उस खूबसूरत मौसम के साथ इस खूबसूरत एबटाबाद क्रिकेट ग्राउंड को भी देखा होगा और इंजॉय किया होगा। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा, जिस तरह आपने पिछली वीडियो को सपोर्ट किया है, इंशाल्लाह इस वीडियो को भी उतने ही आप लोग प्यार दोगे, उतने ही सपोर्ट करोगे, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हो तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।